भारत भ्रमण से लौट रहे सड़क हादसे में हुआ घायल, आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस का किया मांग। मरम्मती कार्य होने के साथ ही टीकर रांगामाटी सड़क जहां तहां गड्ढे में तब्दील हो गया है। नतीजतन आए दिन राहगीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। एक सप्ताह पहले टीकर रांगामाटी सड़क पर राजरपा बैंक ऑफ इंडिया का शाखा प्रबंधक टीकर के पास सड़क हादसे में एक पैर गंवा चुके हैं। वहीं मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे टीकर के पास एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से अपने बाइक पर भारत भ्रमण कर लौट रहे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का पहचान जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी 35 वर्षीय रोहित कुमार व आदित्यपुर निवासी 32 वर्षीय मनीष दास के रूप में हुई है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ईचागढ़ थाना के एएसआई शिवा यादव व राजेंद्र तिवारी पुलिस बल के सहयोग से थाना का वाहन से ही मिलन चौक स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने टाटा टीएमएच रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 4 महीने पूर्व 9 करोड़ की लागत से मरम्मती हो चुकी सड़क टीकर तालाब के पास मोड़ पर ही गड्ढे हो जाने से भारत भ्रमण कर सिक्किम से लौटते समय गड्ढे के पास एक अज्ञात ट्रक के साथ टकराने से दोनों खेत में जा गिरा, जिसमें एक की स्थिति गंभीर है। ग्रामीणों ने 108 व अन्य एम्बुलेंस को सूचित किया, मगर एक भी एम्बुलेंस नहीं मिला। सूचना मिलते ही ईचागढ़ पुलिस मानवता का परिचय देते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों ने हाल ही में मरम्मती किया गया जर्जर सड़क को ठीक करने एवं ईचागढ़ थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस का व्यवस्था करने का मांग किया है। वहीं पूर्व मुखिया पंचानन पातर ने बताया कि टीकर रांगामाटी सड़क पर कुछ दिनों से लगातार सड़क हादसे से कम लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, किसी ने हाथ तो किसी ने पैर गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस क्षेत्र में नहीं रहने से चांडिल आदि जगह से आते आते बहुत देर हो जाती है। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ में प्रशासन को तत्काल एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करना चाहिए। हुआ है आज इसलिए रंगमाटी रोड में जो टीकर के सामने एक 2 युवक मोटरसाइकिल में लोग जा रहा था, उधर से आकर के कोई गाड़ी में मार दिया और यहाँ एक आदमी का बहुत गंभीर चोट है। अभी हमारे ईचागढ़ थाना बहुत किसी तरह उसको यहाँ नर्सिंग होम लाया गया, लेकिन इतना यहाँ तकलीफ है कि रोड में जो कुछ व्यवस्था नहीं है। अभी 108 को फोन लगाने पर उसमें भी ये हो जाता है कि कोई उसका माँ बाप नहीं है, इसलिए इस एरिया में हम लोग का एम्बुलेंस होना जरूरी है। और आजे नहीं बराबर यही सब घटना होते रहता है, लेकिन सरकार तो व्यवस्था किया है लेकिन उसका कोई उपाय नहीं हो रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस अभी 108 का भरोसा में हम लोग रहते हैं और इसमें आदमी का कितना आदमी का जान चला गया है व्यवस्था के चलते। इसलिए हम लोग का मांग है कि ये एरिया में एम्बुलेंस रहना जरूरी है और हमारे ईचागढ़ थाना में कम से कम बहुत बार इस बार घटना घट गया है, लेकिन ईचागढ़ थाना में हम लोग का एम्बुलेंस का जरूरत है। इसलिए हम लोग जनता मांग कर रहे हैं ये एम्बुलेंस हम लोग का यहाँ चाहिए। और अभी एक्सीडेंट सर कहाँ हुआ? ये टीकर मोड़ के पास हुआ है और आम जनता से निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई क्षेत्र में दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, तो मुख दर्शन नाक बने, कम से कम घायलों को उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाने का कोशिश करें। और अपना जीप में ही क्यों ले आए? इस तरह की सुविधा नहीं होने के कारण एम्बुलेंस को हम लोग फ़ोन करते हैं, समय पर आते नहीं हैं। जैसे जैसे हम लोग एम्बुलेंस उठाते हैं उसको और सब पहुंचाते हैं हॉस्पिटल। अपने निजी गाड़ी से? जी।